मॉर्निंग वॉक के समय कुछ बातों का ध्यान रखकर अगर आप करेंगे तो आपको वॉक के पूरे लाभ मिलेंगे। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हेल्थ के प्रति सब में बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है। आप अपने आसपास पार्क में, सड़कों के किनारे सुबह घूमने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कभी आपने देखा, कुछ बातों पर गौर कीजिएगा, अधिकतर लोग वॉक करते समय या तो कानों में मोबाइल लगा रहता है, या फिर अपने साथी के संग बात करते हुए जाते हैं, या उनके साथ घूमते समय डॉग होता है, और कुछ नहीं तो गैजेट लगा के गाने सुनते हैं। आपने देखा होगा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ। जब आप इस तरह वॉक करते हैं तो आपको वॉक के पूरे लाभ नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप स्वयं से जुड़े होते हो। आपके साथ जो कुछ रहता है आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हो। उससे आपके मस्तिष्क तक घूमने के लाभ जो होने चाहिए, जो हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए, वो पहुंचते नहीं है, तो ब्रेन उसको सही ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और आपको पूरा लाभ भी नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह की वॉक को मैं बोलती हूँ उसे साइलेंट वॉक कहते हैं। और जब आप साइलेंट वॉक करेंगे तो उस समय क्या, आप अपने आप से जुड़े होते हैं, आप सब तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जब आप स्वयं से अपने आप को जोड़ लेते हो, खामोशी के साथ वॉक करते हो, तो वो वॉक, उसके बहुत फायदे हैं। मैं आपको फायदे गिनाती हूँ तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, आप कुछ दिन करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही बात है। और ये एक रिसर्च में, अभी इस बात पर रिसर्च की गई थी कुछ लोगों के ऊपर फॉरेन में, तो देखा कि इस वॉक के ही अधिक फायदे हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें आपका मानसिक तनाव कम होता है, क्योंकि जब आप स्वयं के साथ जुड़े होते हो, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हो, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई साथी होता है, ना म्यूजिक होती है, आप अपने आप से, अपने अंदर जुड़े हुए सिर्फ तेजी से वॉक करते हो, तो उससे आपका मानसिक जो तनाव है वो कम होता है। और दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आप किसी से जुड़े हुए नहीं हो तो आपकी एकाग्रता तो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे आपका। जब हम कई लोगों के संग जुड़ के बात करते हुए, चाहे फोन पे बात कर रहे हो, चाहे अपने दोस्तों के संग गप लगा रहे हो, तो देखिए कई बातें ऐसी होती है जिससे नेगेटिविटी आती है। जब आप इस सबसे अलग होंगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, और होगी तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेगेटिविटी से दूर रहना ही हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होगी तो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और इस तरह की वॉक से आपके अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता में वृद्धि होती है, आप क्रिएटिव बनते हो। और इसके साथ ही साथ जब आप अकेले चुपचाप शांति से वॉक करते हो तो आपकी नींद गुणवत्ता वाली होती है, अच्छी नींद आती है। क्योंकि इससे जब आप घूमोगे, क्या होता है, म्यूजिक सुनोगे ना, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। अभी जब आप बिना कुछ के ऐसे ही तेजी से चलते जा रहे हो तो आपके शरीर में एक थकान पैदा होगी। कोई बात नहीं, हम थकने के लिए तो जा ही रहे, पसीना बहाने तो जा ही रहे, तो उससे जब आपकी जो थकान आएगी वो रात में बहुत गहरी नींद देगी आपको। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉर्निंग वॉक से कम होता है, ये सभी शोधों में ये बात निष्कर्ष निकली है कि ब्लड प्रेशर कम होता है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा, नींद अच्छी आएगी, तो ब्लड प्रेशर तो कम होगा ही होगा। इसके साथ आप मोबाइल से दूर रहेंगे, क्योंकि आज एक बात बहुत बार बार बोली जा रही है कि मोबाइल से, लैपटॉप से दूर रहिए। जो एक घंटे की जो वॉक है, ये आपको डिजिटल ब्रेक आपको दिलाएगी। आप उसके बाद भी तो जाके काम कर सकते हैं, वरना सोचते हैं चलो अभी थोड़ी देर खाली है, हम बात करते करते अपना काम भी कर लेते हैं, ये गलत है। आप दो काम एक संग मत करिए, आप इस समय डिजिटल ब्रेक कर लीजिए, आप वॉक करिए केवल, इससे आपको मानसिक और भावनात्मक मजबूती मिलेगी। जब मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह अंजाम देंगे।
और सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि तब आप अपने आप से जुड़े हो, आपको अपने कमियां अच्छाइयां सब दिखाई पड़ रही हैं, लोगों से बात करने में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। और जब इतनी अंदर नेगेटिविटी दूसरी कई चीजें आप में हट जाएंगी तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि दिमाग में जो फालतू बातें चल रही होती हैं उनसे हम बचते हैं तो मानसिक ऊर्जा तो बढ़ती है, शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। बात करने में ऊर्जा भी तो नष्ट होती है, अभी तो खाली वॉक कर रहे हो। तो जो मैंने बताई इतनी बात है इसीलिए बताई है, क्योंकि ये कई शोधों से निष्कर्ष निकला है कि साइलेंट वॉक के बहुत फायदे हैं, अगणित फायदे हैं। आप करके देखिए तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अब बहुत से लोग जिन ये आप जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपके लिए, मैं तो करती हूँ, आप भी करिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो अकेले वॉक करें, किसी के भी साथ नहीं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपके गैजेट हो, या मतलब ये म्यूजिक सुनने का हो, या डॉग हो, या कोई दोस्त हो, नहीं, वॉक यानी अकेले वॉक। तो इतने सारे लाभ जब मिलेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही वॉक करना चाहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया है, बहुत छोटा सा है, आप देखिए आपको मज़ा ही आएगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।